स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बनाएंगे स्पेशल घेवर। घेवर एक कुरकुरा सा मीठा सा पकवान है जो छप्पन भोग में भी एक प्रसिद्ध व्यंजन है। घेवर बनाने के लिए हमें कुछ ही सामान की जरूरत होगी। यहाँ मैंने लिया है एक कटोरी मैदा, मतलब 150 ग्राम मैदा, और हमें घी सिर्फ 4 चम्मच ही चाहिए। सबसे पहले एक जार लेंगे, इसमें 4 चम्मच घी डालेंगे। और 3-4 आइस क्यूब डालेंगे। आइस क्यूब डालने के बाद मिक्सर में 2-3 बार रुक रुक कर इसे ग्राइंड करेंगे। इसे अच्छे से ग्राइंड कर ले। और ये देखिए, हमारा घी एकदम मक्खन की तरह हो गया है। अब हम इसी में एक कटोरी दूध डालेंगे। दूध को भी मिक्सी में एक बार चला लेंगे। अब हम मैदा को 3-4 चम्मच ही डालेंगे। एक साथ पूरा नहीं डालना है, इसे भी मिक्सर में चला ले। घेवर बनाने के लिए इसका बैटर सही से नाप तोल से अगर बन जाए तो आपका घेवर बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब हम इसमें पूरा मैदा और थोड़ा पानी डालकर मिक्सी को फिर से चलाएंगे। हमें एकदम चिल्ड पानी लेना है, तभी घेवर में अच्छी जाली आएगी। देखिए, इसे भी मिक्सी में चला लिया है। अब देखिएगा हलवाई वाली सीक्रेट ट्रिक्स। अब 1 चम्मच बेसन डालेंगे और फिर से ठंडा पानी डालकर मिक्सी में 1-2 बार चला लेंगे। इस बैटर को हमें इतना ही पतला रखना है, ज़्यादा गाढ़ा ना करें। लगे तो पानी और डाल सकते हैं, पानी ठंडा ही डालेंगे। अब हमारा घेवर का बैटर एकदम रेडी है। इसे हमें ठंडा ही रखना है, इसलिए मैंने एक बर्तन में आइस क्यूब लिए हैं। अब हम इस बर्तन को आइस क्यूब के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। सारा बैटर हमने इस बाउल में डाल दिया है, इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। ध्यान रहे, बैटर एकदम ठंडा ही रहना चाहिए, तभी घेवर में अच्छी जाली आएगी। अब रबड़ी घेवर बनाने के लिए हमें रबड़ी बनाना है। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 लीटर दूध। अब हम इसमें केसर के कुछ धागे डालेंगे और थोड़े ड्राई फ्रूट डालेंगे। दूध को गाढ़ा होने तक पकाना है। करीब 10 से 15 मिनट में रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम शक्कर भी डाल देंगे। देखिए, ये दूध गाढ़ा हो चुका है और ये देखिए, रबड़ी पककर तैयार हो गई है। अब हमें चाशनी बनाना है। चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी लेंगे और चीनी लेने के बाद इसी कटोरी से 1/2 कटोरी पानी लेना है। चाशनी न ज़्यादा पतली न गाढ़ी होनी चाहिए। चाशनी हमें मीडियम एक तार वाली चाहिए, बिल्कुल शहद जैसी नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालेंगे, आप इलायची भी डाल सकते हैं। अब इसे चेक करते हैं। देखिए, हल्का सा तार बन रहा है। अब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम ऑयल गर्म होने रख देंगे। बर्तन के तले के बराबर हमें गैस की फ्लेम रखना है। अब हम बड़े वाले चम्मच से बैटर को ऑयल में डालेंगे। ध्यान रहे, हमें डबल से बैटर झाग शांत होने के बाद ही डालना है, ज़्यादा तेज गैस ना करें। जब झाग शांत हो जाए, हम इसमें रुक रुक कर बैटर को चम्मच से डालते रहेंगे। ऐसा हमें करीब 7 से 8 बार डालना है। ऑयल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम इसमें एक होल करेंगे बेलन या चाकू की सहायता से। और ध्यान रहे, तेल ऊपर ना आए, इसे आप सावधानी से करें।
अब मैं एक और घेवर आपको बनाकर दिखाती हूँ। और ये घेवर भी बनकर तैयार है। इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। इसे हम कुछ देर जाली पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और ये घेवर बनकर बिल्कुल तैयार है और इसकी जाली भी बहुत ही बढ़िया बनी है। देखिए कितना डिलीशियस बना है। अब घेवर भी तैयार है, रबड़ी भी तैयार है और चाशनी भी तैयार है। तो हम घेवर को कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल मार्केट की मिठाई की तरह एकदम परफेक्ट बनी है। अब हम घेवर को एक प्लेट में रखेंगे और इस पे थोड़ी थोड़ी सी चाशनी लगाएंगे। हम पूरे घेवर पे चाशनी लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम इस पर चाशनी लगा देंगे। अब हम रबड़ी डालेंगे। देखिए रबड़ी इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए ताकि ये आसानी से घेवर पर टिक जाए। रबड़ी से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। देखिए इस तरह से हम रबड़ी भी डाल देंगे। आप इसे सही तरीके से बनाएंगे तो ये परफेक्टली बन जाएगा। अब इस पे हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम और पिस्ता लिए हैं। पिस्ता को मैंने बारीक कट कर लिया है और बादाम को भी हाफ कट कर लिया है। इसे हम घेवर पर रख देंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और इस पे मैंने केसर भी डाली है। आप कोई भी फेस्टिवल्स पे इसे बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब इस पे हम सिल्वर फॉइल से और डेकोरेट कर देंगे। इससे ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा। इसका टेस्ट एकदम लाजवाब।
तो ये देखिए हमने परफेक्टली घेवर कंप्लीट कर लिया है। घेवर बहुत ही स्वादिष्ट और बाकी मिठाइयों से कंपेयर करें तो बहुत ही यूनिक मिठाई है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।